महुआ थाना क्षेत्र के दो विद्यालयों से अज्ञात चोरों ने मध्याह्न भोजन का लगभग 30 क्विंटल चावल चोरी कर फरार हो गए। बताया जाता है कि महुआ थाना क्षेत्र के उत्क्रमित मध्य विद्यालय मेघपुर सिंघाड़ा में बच्चों के बीच वितरण करने के लिए रखे मध्याह्न भोजन के चावल में से 46 बोरी चावल अज्ञात चोर चोरी कर फरार हो गए। वहीं सिंघाड़ा गांव के ही भरतपुर सिंघाड़ा उत्क्रमित मध्य विद्यालय में भी लगभग 13 बोरा चावल का अज्ञात चोरों ने चोरी कर ली। एक साथ दो विद्यालयों में चावल की हुई चोरी से हड़कंप मच गया है। वहीं हेडमास्टर साहब ने इस संबंध में थाना में एक आवेदन दिया है। आवेदन के आधार पर पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। महुआ अनुमंडल अस्पताल में कोविड-19 वैक्सीनेशन की तैयारी पूरी कर ली गई है। उक्त जानकारी महुआ अनुमंडल अस्पताल उपाधीक्षक डॉक्टर सत्येंद्र कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि महुआ अनुमंडल अस्पताल में 16 जनवरी को सुबह 10:30 बजे से वैक्सीनेशन का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। वैक्सीनेशन कार्य के लिए जिला से 126 कोरोना वायरस का वैक्सीन अनुमंडल अस्पताल को उपलब्ध कराया गया है। जिन लोगों को यह वैक्सीन पड़ेगा उनकी सूची भी आ गई है। सुबह 10:30 बजे से वैक्सीनेशन का काम शुरू कर दिया जाएगा। महुआ में पड़ रहे भीषण ठंड को देखते हुए महुआ नगर पंचायत द्वारा 4 स्थानों पर अलाव की व्यवस्था की गई है। इस संबंध में नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी रविशंकर प्रसाद ने बताया कि भीषण ठंड को देखते हुए महुआ के गांधी चौक, बच्चन शर्मा चौक, थाना चौक और बालो सिंह के स्टैंड में अलाव की व्यवस्था की गई ताकि आम लोगों और राहगीरों को ठंड का सामना न करना पड़े। उन्होंने बताया कि महुआ नगर पंचायत के विभिन्न वार्डों में भी अलाव की व्यवस्था की जाएगी। गौरतलब हो कि पिछले 2 दिनों से महुआ प्रखंड क्षेत्र में भीषण ठंड पड़ रही है, जिसके कारण लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है तथा लगातार लोग अलाव की मांग कर रहे थे, जिसको देखते हुए नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी ने महुआ के कई स्थानों पर अलाव की व्यवस्था की। वैशाली के महुआ के गद्दपुर गांव में समाजसेवी अरुण कुमार सिंह और प्रतिभा तिवारी ने मकर संक्रांति के अवसर पर गांव के बच्चों के बीच दही चूड़ा का भोज का आयोजन किया। इस अवसर पर बच्चों ने दही चूड़ा का आनंद लिया। समाजसेवी अरुण कुमार सिंह और प्रतिभा तिवारी ने बताया कि हम लोग कई वर्षों से इस प्रकार के आयोजन कर रहे हैं। मकर संक्रांति एक पवन पर्व है, जिसको लेकर हम बच्चों के साथ यह पर्व मनाते हैं तथा बच्चों को दही चूड़ा के भूत का भोज देते हैं।